हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी किचन। चलिए आज हम बनाते हैं नवरात्रि स्पेशल। तो नवरात्रों में जो सागार में काम में ली जाती है, हम उस रेसिपी को आज आपको बना के दिखाते हैं। मैंने यहाँ पर 6-7 रेसिपी बनाई है। तो चलिए सबसे पहले हम सांखे लेंगे और एक बाउल में दूध गर्म करेंगे। जब दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसमें उबाली आ जाएगी, तब हम उसको रख देंगे। और जो हमने सांखे लिए हैं, ये व्रत में काम में आने वाला है, इसको हम धो के एक कटोरी सांखे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हम बनाएंगे अभी सांखे की खीर, तो उसको इसके अंदर डाल देंगे और हम इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। थोड़ा सा हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद में इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। जब सांखे अच्छे से पक जाएंगे और गाढ़ी होने लग जाएगी खीर, तब हम इसके अंदर जो है एक कटोरी चीनी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर छोटी कटोरी एक चीनी की ऐड कर दी है और इसको अच्छे से बॉयल होने दिया है। ये अच्छे से चीनी भी इसमें पक चुकी है। अब हम इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ बादाम ऐड करी है। आप चाहें तो इसमें काजू, पिस्ता और भी कुछ डाल सकते हैं। चलिए, हमारी खीर रेडी हो चुकी है। चलिए हम इसको सर्व करते हैं एक बाउल में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है सांखे की खीर। और इसको ऊपर से डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर लंबे लंबे बादाम को कट किया है और इस तरह से मैंने थोड़ी सी केसर के धागे भी इसमें ऐड करे हैं। तो इस तरह से हमारे सांखे की खीर बनकर रेडी है। चलिए चलते हैं दूसरी रेसिपी पर। हमने यहाँ पर भीगे हुए साबूदाने लिए हैं। 1-2 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो के रख दिया था। अच्छे से ये फूल चुके हैं भीग करके। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक पैन में दूध गर्म किया है और मैंने यहाँ पर एक गिलास दूध लिया है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ही बना रही हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। और दूध को उसी तरह से हम इसको दूध को भी बॉयल होने देंगे। बॉयल होने के बाद में अच्छे से इसको जब ये बॉयल हो जाएगा, तब हमने जो ये साबूदाने रख रखे थे वो और थोड़ा सा इलायची पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इलायची पाउडर डालने के बाद में अच्छे से इसमें खुशबू आएगी और फिर साबूदाने जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये धीरे धीरे करके गाढ़ा होने लग जाएगा दूध। ये देखिए, मैंने इसमें साबूदाने ऐड किए हैं इसमें। अब ये जब हम इसको अच्छे से बॉयल करेंगे तो बॉयल होने के बाद में दूध गाढ़ा होने लग जाएगा, साबूदाने और अच्छे से फूल जाएंगे। अगर साबूदाने को हम 1-2 घंटे पहले भिगो के रख देते हैं तो वो अच्छे से फूल जाते हैं और जैसे चिपचिपी सी बनती है खीर, वो वैसी नहीं बनती है, बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है, येलो वाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये मिक्स करने के बाद में मैंने इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दी है और इसको अच्छे से बॉयल होने दिया है। जब ये पूरी तरह से बॉयल हो जाएगा, ये देखिए बॉयल होने के बाद में खीर बहुत गाढ़ी हो चुकी है। चलिए हम इसको भी सर्व करते हैं एक बाउल में। ये देखिए, हमारे साबूदाने की खीर है जिसको हमने कलरफुल बनाया है। कितनी अच्छी लग रही है दिखने में। और ये देखिए, दाने जैसे खीर के दाने होते हैं चावल वाली खीर के, वैसे ही हैं। ऊपर से मैंने इसको बादाम से डेकोरेट किया है। डेकोरेट करने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी रेसिपी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पर। यहाँ मैंने सांखे लिए है 1/2 कटोरी, और जो मैंने साबूदाने भिगो के रखे थे उसमें से भी मैंने 1 कटोरी साबूदाने निकाल के रखे थे। ये देखिए, मैंने 1 कटोरी और साबूदाने की रखी है। तो यहाँ हम इन साबूदानों को और सांखे से इडली बनाएंगे। तो पहले मैंने जो सांखे थे उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद में मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के जैसे सूजी का पेस्ट बनाते हैं उसी तरह का मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। ग्राइंड होने के बाद में देखिए इसका पेस्ट इस तरह का बन चुका है, जैसे सूजी का पेस्ट होता है उसी तरह से सांखे का भी पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। साथ ही हमने जो साबूदाने निकाल के रखे थे वो साबूदाने हम इस सांखे की पेस्ट के अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो ये पानी सांखे और साबूदाने दोनों मिल के अब्सॉर्ब कर लेंगे। तो हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। 10 मिनट बाद देखिए पूरा पानी इन्होंने अब्सॉर्ब कर लिया है, बहुत गाढ़ी हो चुकी है ये। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, 1 चम्मच हम डालेंगे दही। मैंने यहाँ डिब्बे वाला दही यूज़ किया है। अगर आपके पास घर का दही हो तो आप उसे यूज़ करें, बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा खट्टा दही भी हमें नहीं लेना है। इस तरह से उसको दही को इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे।
अच्छे से मिक्स होने के बाद में इसका पेस्ट उसी तरह का रखना है जैसे हम इडली बनाते हैं, तो इडली का जो पेस्ट रखते हैं उसी तरह का इसका पेस्ट हमें रखना है। ये देखिए, अब हम इसके अंदर डालेंगे सागर वाला नमक। तो सेंधा नमक का मैंने यूज़ किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, इस तरह की रेसिपी आप पूरे नवरात्रि में अलग अलग रेसिपी बना करके खा सकते हैं, जो मैंने एक ही वीडियो में आपको बना के दिखा दिया है। अब ये देखिए, पेस्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है, और लास्ट स्टेज है हमारी इसके अंदर इनो डालने की। मैंने इसके अंदर एक चम्मच इनो का यूज़ किया है, और इनो डालने के बाद में मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर इडली के जो सांचे थे वो निकाल लिए हैं, उसके अंदर मैंने उसको ऑयलिंग कर दी है इसको बनाने के बाद में पेस्ट को। और ऑयलिंग करने के बाद में ये देखिए, मैंने जो सांचे थे उनमें सब में ऑयलिंग कर दिया है। और अब हम इस सांचों के अंदर जो हमने पेस्ट बनाया है उस पेस्ट को फिल करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसी रेसिपी नवरात्रों में, जो आपको हर नवरात्रि अलग अलग व्रत के अंदर आप काम में ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसे नवरात्रों में ही काम में लें, इनमें आप किसी भी व्रत के अंदर इसको काम में ले सकते हैं। मैंने इसके अंदर कुछ ट्रिक्स बताई है, तो उस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप बनाएंगे तो बहुत परफेक्ट और अच्छी बनेगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। 9 दिन की नवरात्रों में आप हर बार अलग रेसिपी बना करके यूज़ में लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी इडली के जो है बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको एक भगोने के अंदर मैंने पानी गर्म किया है, और ये सांचे मैंने उसमें रख के ऊपर से इसको कवर कर दिया है। 5 मिनट के बाद हम देखते हैं हमारी इडली बन के रेडी हो चुकी है। चलिए हम इसको निकालते हैं। हमें इसको थोड़ा सावधानी से निकालना है, चम्मच से चारों तरफ से इस तरह से कॉर्नर को छुड़ा के फिर हमें इसको बाहर निकालना है, क्योंकि अगर एकदम से निकालेंगे तो ये थोड़ा सा फट भी सकती है। तो आराम से, सेफ्टी से, अच्छे से निकालें। ये देखिए, मैंने इसको निकाल लिया है बाहर, और मैंने प्लेट में इसको सर्व कर दिया है। तो ये बन के रेडी हो चुकी है हमारी नेक्स्ट रेसिपी। चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से भी बहुत अच्छे से पकी है और सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। ये देखिए, चलिए चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पर। यहाँ पर मैंने भीगे हुए साबूदाने लिए हैं, जिसे मैंने 1-2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, और वो अच्छे से फूल चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर आलूओं को फ्राई करके डाल दिया है। मैंने आलू फ्राई करके रख रखे हैं, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पर हरी मिर्च को बारीक काटा है, उसको भी काट के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही में मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है सेंधा नमक, जो कि व्रत में काम में लेते हैं, तो वो सेंधा नमक हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मैंने मूँगफली के दाने लिए हैं, जिसको मैंने फ्राई कर लिया है, और फ्राई करने के बाद में इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और इस तरह से मैंने इन सभी को ऐड करने के बाद में एक कढ़ाई में ऑयल गर्म किया है, और इनको उसके अंदर ऐड कर दिया है, और अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया है। क्योंकि हम इसके अंदर हरी मिर्च का यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे नहीं, और इस तरह से हम व्रत के साबूदाने बना करके रेडी करेंगे। तो इसको थोड़ी सी देर के लिए हमें पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। देखिए कैसे खिले खिले और एक एक दाना अलग है। हरी मिर्च डालने के बाद में आपको मिर्च की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट मिर्च से बहुत अच्छा आ रहा है। इस तरह से हमने ये साबूदाने बना के रेडी कर लिए हैं फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पर। हमने एक कढ़ाई में ऑयल गरम किया है, और उसके अंदर मैंने डाला है जीरा और राई। फिर मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च का यूज़ किया है, और उसको अच्छे से पका लिया है। साथ ही मैंने व्रत वाला सेंधे नमक का यूज़ किया है। इस तरह से टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर का यूज़ किया है, और मैंने यहाँ पर पिसी हुई काली मिर्च का यूज़ किया है। इस तरह से हमने ये मसाला बना के रेडी किया है। यहाँ मैंने कुछ आलू बॉयल करके रखे हैं, उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ मैंने बनाई है आलू की सब्ज़ी। इस तरह से हमने फ्राई कर लिए हैं आलूओं को मसाले के अंदर अच्छे से, और ये बन गई है हमारी आलू की सब्ज़ी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पर। यहाँ मैंने भीगे हुए साबूदाने लिए हैं, इस अच्छे से भीग चुके हैं। 1-2 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था भिगोने के लिए। अब मैंने इसके अंदर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करी है, और मैंने इसके अंदर डाले हैं बॉयल करे हुए आलू। जो मैंने आलू बॉयल किए थे उसमें से मैंने इसमें आलू रखे थे, और साथ ही में मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक, जो कि व्रत में काम में लेंगे सेंधे नमक को, उसी को ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है। थोड़ी सी मैंने तीखी वाली हरी मिर्च का यूज़ किया है, और उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा मैंने काले मिर्च का पाउडर लिया है।
अब इन सभी सामानों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक आटे का डो लगाते हैं। इस तरह से इसका डो लगा करके हम रेडी करेंगे। इस तरह से जब हम इसको मैश करेंगे तो आलूओं से अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी और इसको हम बना करके रेडी करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसको हमने इकट्ठा कर लिया है मिक्स करने के बाद में, और इसकी अब हम बनाएंगे छोटी छोटी सी टिकिया। तो जब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद में हम क्या करेंगे, हाथों को अच्छे से वॉश करेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा हम हाथों के ऊपर ऑयल का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा ऑयल या घी, जो भी आप व्रत में खाते हैं उसका यूज़ करें। और उसके बाद में हम इसमें से छोटी छोटी सी टिकिया की शेप में बनाएंगे। छोटी छोटी लोइयां लेंगे हम इसकी साबूदाने की और साबूदाने वड़ा बना करके रेडी करेंगे। इस तरह से मैंने इसकी टिकिया की शेप में इसको बना के रेडी किया है। ये देखिए मैंने इसको एक एक करके इसी तरह से बना लिया है। तो हमने इसके अंदर तीखी हरी मिर्च, शिमला मिर्च सब ऐड कर दिया है, तो लाल मिर्च की हमें आवश्यकता है नहीं। इस तरह से हमने इसके अंदर सारी टिकिया बना करके हम रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी ऐसी है, आप इनको सबको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये रेसिपियाँ कैसी लगी। तो यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है, ये सादा तवे में भी बन जाएगा, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। और उसमें मैंने एक चम्मच घी लगाया है और ये जो जितने भी वड़े मैंने बनाए थे उन सबको मैं धीरे धीरे एक एक करके तवे के ऊपर अच्छे से रखती जा रही हूँ। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। आप जिस तरह से खाना पसंद करें उसी तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसको शैलो फ्राई किया है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक तवा लिया है और उसके ऊपर मैंने इसको रखा है और इसको दोनों साइड से पलटते हुए बहुत अच्छे से इसको सेक लिया है, ताकि और मैंने गैस का फ्लेम एकदम लो रखा है, मीडियम रखा है। पहले हम लो रखेंगे, जब हम अच्छे से इसके ऊपर टिकिया रख देंगे उसके बाद में थोड़ा मीडियम करेंगे और दोनों साइड से पलटते हुए इसको सेक लेंगे। इसका इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा, वहीं आप समझ जाइए कि ये बन के रेडी हो चुकी है। चलिए इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे साबूदाने के वड़े बनके तैयार हो चुके हैं। और आप इसे चाहे तो दही के साथ या फिर धनिए की चटनी बना करके इसके साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी इसके साथ सिर्फ आलू की सब्ज़ी बनाई है, धनिए की चटनी का यूज़ नहीं किया है। तो चलिए इसके बाद में चलते हैं हम हमारी पूरी व्रत की थाली सजाने के ऊपर। यहाँ पर मैंने रख दी है सांवके की खीर, साबूदाने की खीर और साबूदाने और सांवके की इडली, साबूदाने बने हुए खिचड़ी और मसाले वाले आलू और वड़े हमने बना करके रेडी किए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करें।